नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको खिले खिले बिना चिपके एक एक दाना अलग चावल बनाने का सीक्रेट बताएंगे। तो चलिए चावल बनाने के लिए सामग्री देख लेते हैं। खिले खिले चावल बनाने के लिए हमने एक कटोरी बासमती राइस लिया है, पानी लिया है, एक प्रेशर कुकर लिया है। तो चलिए चावल बनाना शुरू करते हैं। चावल बनाने के लिए हम सबसे पहले कुकर में चावल ले लेंगे। हमने एक कटोरी चावल लिया है, अब हम चावल में दो कटोरी पानी डालेंगे। चावल को पकने के लिए रख देंगे। अब हम चावल को पकने के लिए चढ़ा दिए हैं। चावल को हम मीडियम फ्लेम पर दो सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में दो सीटी लग चुका है। अब हम गैस कुकर का प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन खोलेंगे। कुकर से प्रेशर निकल चुका है। अब हम ढक्कन खोल के चावल देखेंगे। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिले खिले, बिल्कुल अलग अलग बने हैं। आप जब भी चावल बनाएं तो आप जितना भी चावल लें उसका लगभग दो गुना पानी डालें। चावल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल खिला खिला बनेगा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।